Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Let's go connect. Karo. Worship you, Jesus. जी समीक्षा जी आप तैयार हैं जी? ओके, इनका वॉल्यूम बढ़ाओ, इनका वॉल्यूम बढ़ाओ. ओके दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हिंदी और इंग्लिश ऑनलाइन चर्च में आपका स्वागत है. ट्रांसलेट. ओके इन मसीह मंथन बैठक आई वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन चर्च. दोस्तों बेहद बेहद उत्साहित हूँ आज आपके बीच में परमेश्वर का एक अद्भुत वचन लाने के लिए. I'm so glad to come in front of you to bring a, such a powerful revelation from the Word of God. साथ ही साथ ब्रदर विक्टर बेंजामिन का जो अभी आपके बीच में वर्शिप कर रहे थे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ और यकीन जानता हूँ कि आराधना में आपने परमेश्वर को अपने नजदीक महसूस किया है. And I also thank Brother Victor who had been a part of the worship and I believe that you had been blessed by this worship. ओके नाउ दोस्तों जल्दी से कुछ चीजें पूछ लेता हूँ. मेरी आवाज और साथ ही साथ जो बहन ट्रांसलेट कर रही है इंग्लिश में उनकी आवाज आप तक ठीक से पहुंच रही है, कृपया करके हमें टाइप करके बताएं. ओके आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट द वॉइस इज क्लियर एंड अलोंग हु इज ट्रांसलेटिंग ऑल द वोकल्स आर क्लियर एंड ऑल द विजुअल्स आर क्लियर. यू कैन टाइप इट ऑन द प्रिस्क्रिप्टिव व्यूज. ओके नाउ मैं समझता हूँ कि कम से कम 300 या 350 लोग अभी जुड़ चुके हैं. आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ. And I believe that there are 300 or 350 people who had been joined with us, and I welcome you all. ऐसा हो सकता है कि आज मैं समझता हूँ कि 9:30 तक हम जा सकते हैं आज. And I believe that we will go till 9:30 PM. Okay, now वापस आते हैं और आज का जो विषय है आपके बीच में रखने जा रहा हूँ. And we come back to the view, and we come back to the topic of the today's church. फिर से आप सभी का स्वागत है. I welcome you all once again. Now, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 तस्वीरें हैं. And on the screen that you could see now there are total 3 images shown. जो कि आपके बीच में मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ. And now I'm going to tell you about the names of these 3 personalities. Okay, एक है दाऊद, दूसरा है शाऊल और तीसरा है गोलियत. And one is David. Second is Saul and third is Goliath. इन सभी को आप और हम बखूबी जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं और जो मसीह हैं. And all the people know really well about these three characters, David, Saul and Goliath, and the one who reads Bible particularly know about them. जी साथ ही साथ आपको बता दूं कि दाऊद, शाऊल, गोलियत, यहाँ पे हम इनको 3 कैरेक्टर्स के रूप में देखेंगे. And we are going to see now David, Saul and Paul into 3 characters. जी साथ ही साथ characters जो हिंदी शब्द है जिसको हम कह सकते हैं चरित्र. And now we are going to say about a word character in English, but in Hindi it is called as charitra. Wonderful Samiksha. Now लिखा है यहाँ 3 characters. Now it has been written here that there are 3 characters. सबसे पहले number 1 दाऊद को हम आत्मिक बोलेंगे. We will say David as spiritual. दूसरा गोलियत को शारीरिक बोलेंगे. And second we will say Goliath as carnal or fleshly. अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल दाऊद के बाद में शाऊल आना चाहिए था, आपने गोलियत को क्या बाय मिस्टेक ले डाला? जी नहीं. No, you will say that Pastor Daniel, why you had put Goliath at front, you should put Saul at front. अब उसके पीछे कारण है. There is a reason behind it. सबसे पहले दाऊद आत्मिक, गोलियत शारीरिक. First David is spiritual, second Goliath is carnal or fleshly. लेकिन तीसरा जो मैंने रखा है नंबर 3 पे, जिसको मैं फिर कहूंगा, इसको कैरेक्टर चरित्र के रूप में देखेंगे, और तीसरा है शाऊल, जिसका मतलब है ये आत्मिक भी है और शारीरिक भी है. And now we are going to talk about the third character that is Saul and who is also carnal as well as spiritual. फिर से आपके बीच में आ रहा हूं. I'm coming again within you. इस विषय के साथ में. With this topic. बहुत अद्भुत है. Which is very very और मैं जानता हूं कि परमेश्वर इस विषय के साथ या इस टॉपिक के साथ आपके जीवन से अद्भुत रीति से बात करने जा रहा है. And I believe that from this topic, God is going to speak you in a marvelous way. और साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि मुझे इंग्लिश
ट्रांसलेशन इसलिए रखना पड़ा, और मुझे खुशी है कि परमेश्वर ने एक ऐसी दासी को या बेटी को या बहन को आपके बीच में रखा है जिनका नाम है समीक्षा, और आपकी मदद कर पा रही है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो परमेश्वर के लोग हैं वो इंग्लिश में भी मेरे संदेश को समझ सके. And today I had brought this English translation in this online church with this view that the international itinerants or visitors who are also hearing me could understand the message that I had been giving and which has been given by one of the daughter of God, that is Sister Samiksha Sharma. जी, साथ ही साथ मुझे काफी लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप इंग्लिश चर्च स्टार्ट करो, आपका इंग्लिश में प्रचार होना चाहिए, बट मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लीजिए आपके बीच में इंग्लिश और हिंदी आ चुका है. Many people were saying to me that Pastor Daniel, you should start an English church, you should start an English service, but I believe that English and Hindi has been collaborated together and I had been coming in front of you with this online church with in English and Hindi. जी, और मैं साथ ही साथ आप सभी को कहना चाहता हूँ कि इस न्यूज को कि अब इंग्लिश में अनुवाद पास्टर डैनियल के मैसेजेस हो रहे हैं, इसकी मालूमात आप जितनी तादाद में फैला सकते हैं प्लीज उसको फैलाइए. And you could spread this message as long as possible to the other people that the messages which has been told by Pastor Daniel has also been translated into English language which has been spoken by Pastor Daniel in Hindi. और साथ ही साथ जितने YouTube पे मुझे देख रहे हैं. And the ones who are watching me through YouTube. आपका भी स्वागत है. I also give you warmth welcome. अब every Sunday प्रति रविवार आपको हिंदी चर्च और उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलता रहेगा परमेश्वर की महिमा के लिए. फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड वी आर गोइंग टू कम अलॉन्ग विद इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द ऑनलाइन हिंदी सर्विसेज फ्रॉम एवरी संडे. चलिए अब आते हैं आज के इस मुद्दे को, यहां से बढ़ाते हैं. दाऊद आत्मिक, गोलियात शारीरिक, शाउल आत्मिक और शारीरिक, ये तीन कैरेक्टर्स आपके बीच में रख रहा हूं. And now, let's start with the topic which has been prescribed before about David, who was spiritual, Goliath, who was carnal or fleshly, and Saul, who was carnal as well as spiritual. Okay, now, आज हम इन तीनों को इन तीनों characters को अपने आसपास देखते हैं आपके बीच में. पहले मैं ये बता दूं, आज हम इन तीनों characters को अपने आसपास देखते हैं. Today, I would like to tell you one thing that we can find these characters on or one place to another place or one show to another show means these all three characters are available in our surroundings. जी, आत्मिक लोग, शारीरिक लोग, spiritual and carnal, और तीसरा आत्मिक और शारीरिक लोग. And the third one which has been fused with the carnal and spiritual. मैं फिर रिपीट करता हूँ. I still repeat again. आत्मिक लोग, शारीरिक लोग, आत्मिक और शारीरिक लोग, तीन लोग. Spiritual लोग, spiritual people, carnal people, and along with the fusion of carnal and spiritual people. आपके ध्यान में या नॉलेज में फिर से डाल दूं कि इन तीनों को हम कैरेक्टर या चरित्र के रूप में देखने जा रहे हैं, और उसको आत्मिक दृष्टि से देखना बहुत जरूरी होगा. And today I'm again going to tell you that we are going to see carnal, spiritual, and with the views of carnal and spiritual, and we are going to see with the view of character, or which has been called as charitra in Hindi. Okay, आज ये दाऊद कौन है, गोलियात कौन है, शाउल कौन है? And now we are going to see who was David, who was Saul, and who was Goliath. वापस से कह दो, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे. We will going to see through the spiritual sense. ये तीनों आज आपके आसपास में हैं. They are available in front of your ambience. जी, आपका परिचय, आपका संपर्क, आपका सामना इन तीनों तरह के कैरेक्टर से प्रतिदिन होता है. In every day of your life, you are able to see or you are able in touch with these three kinds of people. जी, सबसे पहले दाऊद की बात करते हैं. First, we are going to talk about David. दाऊद का कैरेक्टर या चरित्र. The David's character or it is called as charitra in Hindi of David. और वापस कहता हूँ आत्मिक दृष्टि से देखेंगे. And we are going to see with the spiritual sense. लिखा है ऐसे लोग जो परमेश्वर को पसंद आते हैं, ऐसे दाऊद के चरित्र के लोग जो परमेश्वर को पसंद आते हैं, पहली बात.
The first thing I would like to say that God is pleased with the character like David. जी और साथ ही साथ पहला सैमुअल तीसरा माफ करें 13 अध्याय वचन 14 फर्स्ट सैमुअल 13:14. It has been written in First Samuel chapter 13 verse 14. Okay, Samiksha ji, आपको दिख रहा है आपके फोन पे? Yes. Oh, good, wonderful. Now, साथ ही साथ आपको बता दूं या याद दिला दूं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, वॉच पार्टी कर रहे हैं और दूसरों के साथ में बांटना शुरू करें. जी. Yeah, I am going to tell you that you must share this video, or I am asking you, are you sharing this video with someone? Are you having a watch party with this someone? चलिए वापस आते हैं कि दाऊद कौन है. ऐसे लोग जो परमेश्वर को पसंद आते हैं, पहला सैमुअल 13:14 में उसको हम देखने जा रहे हैं. जी. Yeah. So now we are going to see the character like David with which God is well pleased from the first Samuel chapter 13 verse 14. सबसे पहली लाइन जो सैमुअल शाऊल को कहता है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा. But now thy kingdom shall not continue. Okay, समीक्षा जी सेम पंच डाल सकती हैं. पंच वो जो मैं करता हूं ना वैसा वाला, ठीक है ना. वापस आते हैं, परंतु जब लिखा है अब तेरा राज्य बना ना रहेगा. एंड बट नाउ thy kingdom shall not continue. परफेक्ट, बहुत अच्छा. नाउ लिखा है यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है. The Lord had sought him a man after his own heart. Wonderful. फिर से वापस कहते हैं, परमेश्वर यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है. The Lord thy God has found a man who has been pleased and who has been the man of his own heart. और फिर आगे कहता है, यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है. And the Lord has commanded him to be the captain over his people. ऐसा क्यों? Why? क्योंकि परमेश्वर शारीरिक लोगों को पसंद नहीं करता. परमेश्वर संसारिक लोगों को पसंद नहीं करता. शारीरिक संसारिक भी हैं, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता. लेकिन दाऊद को क्यों? क्योंकि दाऊद आत्मिक था, यही कैरेक्टर देख रहे हैं. And we are watching in this that God was pleased with the character of David, and God is pleased with those people who are spiritual, and God is not pleased with those people who are carnal or fleshly, and also not pleased with those people who are living in this world and tends to be spiritual, but God is not pleased with such people. Okay, now एक ऐसी लाइन है जो लिखा है उसके मन के अनुसार. There is a line written, man after his own heart. Repeat करता हूँ, उसके मन के अनुसार. I repeat again, man after his own heart. आप जैसे ही दाऊद को देखते हो. As when you look at David. आप जब भी दाऊद की बातों को पढ़ते हो. And whenever you read the words of David. एक ही दिमाग में बात रखना. Always keep one thing in your mind. परमेश्वर ने दाऊद को पसंद क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर को दाऊद पसंद आ गया था, क्योंकि वो उसके मन के अनुसार था. And why was God well pleased with David? Simply because he loved David and because he was the man after his own heart. अब लिखा है कि दाऊद ने अपने जीवन से परमेश्वर को बहुत बहुत प्रभावित किया था. And it has been written that David had put a deep, deep influence in his life. सबसे पहली चीज. The very first thing. जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं. When we look at the life of David. एक चीज उठकर दिखती है. There would be seen one thing only. कि दाऊद चरवा था. That David was shepherd. और साथ ही साथ भेड़ बकरियों को अच्छे से संभालता था. And he used to foster the sheep. जब उसके भेड़ बकरी के बच्चों को भालू या चीता या शेर ले जाता था, ये उनके पीछे जाता था, उनको उनके उनके मुंह से वो अपने बच्चों भेड़ बकरी के बच्चों को छुड़ा ले आता था. ये कैरेक्टर था उसका.
when the sheep of David has been taken by the lions and the bears, and David rushed to them and just he saves them from the trap of such wild animals. इस कैरेक्टर को आज आपके जीवन में जब आप कनेक्ट करते हो, ऊपर बैठा परमेश्वर जब आपको देखता है कि तुम लोगों की चिंता करते हो, उनके लिए परमेश्वर के वचन को सुनाते हो, कैसी कलीसियाओं की पालन पोषण करते हो, कैसे परमेश्वर के लोगों के लिए तुम तड़प रखते हो, ये कैरेक्टर अगर आपके अंदर है, आप भी परमेश्वर के पसंद के अनुसार हो जाते हो. And when God look at you as you have the burden like David, as you foster the church of God, and when you have burden to pray, and when you run towards the people to save their souls, the same God who saw David, he's sitting up high and he's looking at your lives and he's also well pleased with you. दूसरी चीज या दूसरी लाइन जो परमेश्वर को दाऊद में पसंद आई वह यह था कि जब गोलियात चैलेंज दे रहा था वहां के लोगों को, इस व्यक्ति ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको चुनौती दी. And another thing which was liked by God, when there was a Goliath who was challenging people, only David was the one who accepted the challenge of Goliath. अब आप सोच के देखिए कि दाऊद है कितना छोटा. And you could think now that David was so small. और आप ये भी सोचिए कि गोलियत की हाइट कितनी है. And you could see that David was so, the Goliath was so tall. और वो छोड़िए, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम है गोलियत, जिसको मैं सेकंड पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा, 40 दिन धमकियों पे धमकी दे रहा है, लेकिन 41वें दिन, on 41 day, ये आता है और कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम से तुझे चैलेंज देता हूं. आप इसका दिल देखिए, इसका हिम्मत देखिए और इसका जज्बा देखिए. And we could see that I had put Goliath on the second point and he was giving threats and threats for continuous 40 days. And on the 41st day he came to fight and only David was the one who accepted the challenge and threats of David, Goliath. And he said to Goliath, with the name of the Lord, I will perish you. अब सोचिए ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम है दाऊद, परमेश्वर को पसंद क्यों नहीं आएगा? And that same character named David, you could think now that how God was pleased, and you could say that why God is well pleased with him. Aisa hi himmat. This same courage. Aisi hi jazba. This same passion. Aur aise hi Parmeshwar ke logon ke liye charwa wala dil. And that same heart of serving the people and the sheep of the God. Parmeshwar ko pasand kyun nahi aayega aapke liye, sochiye zara. And why God will not be well pleased with you? Amen. Amen. Now, इसको देखिए, परमेश्वर की आराधना की बात हो, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर की स्तुति आराधना, क्योंकि उस वक्त में उसके लिए वही काम था कि परमेश्वर तेरे ही सेवा करूंगा, तेरी ही आराधना करूंगा, किसी और लोगों की या किसी और देवी देवताओं की या किसी और पत्थर पेड़ पत्तों की नहीं, सिर्फ तेरी आराधना करूंगा. And we could see that another point of David, that he in these days he was only worshipping the Almighty God, and he said, God, I will not worship any of the objects which has been made, I will not worship anything, but I will only worship the true God. Aur aisa character jiska naam hai Daud. And that same character named David. और उसी की बात मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूं, मुझसे कनेक्ट कर रहा हूं, समीक्षा से कनेक्ट कर रहा हूं, और जितने लोग अभी 800 के आसपास में लोग सुन रहे हैं और जो भविष्य में सुनेंगे, आप सबसे कनेक्ट कर रहा हूं कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा करे, परमेश्वर पर ही विश्वास करे, ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद क्यों नहीं आएंगे, सोचिए. Yeah, and now I'm telling to you, I'm telling to Smiksha, and I'm telling to other people that when we worship only the true God, and the 800 people who are watching me, when you worship the same Almighty God, the creator of all this universe, why will not be well pleased with you? Parmeshwar ke liye paglon ki tarah nachna, ye Daud ka character tha. The character of David was that he used to dance for the Lord in a passion, in a crazy way. Iska matlab kya hai? What does it mean? Ye raja tha. He was the king. Yeah, और उसने कपड़े राजा के पहन रखे थे. And was he wearing the raiments or उसके बावजूद इसको पद की चिंता नहीं है, उसको अपने कपड़े की चिंता नहीं है, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं है, इसको कहते हैं परमेश्वर के लिए पागल होना. And he doesn't bother about his dress, he doesn't bother about his kingship, he doesn't bother about anything, but just he was prioritized to dance for the Lord in a crazy and a passionate way. क्या ऐसा पागलपन? That same passion and craziness. Yeah, come on, Samiksha, cut to cut. क्या ऐसा पागलपन? That same craziness. क्या आज हमारे अंदर है? That we have in it. जो लोग अभी देख रहे हैं हमारे अंदर है? That the ones who are watching, do you have? मैं नाचने such? की बात नहीं कर रहा हूँ, नाचने में पागलपंती मत दिखाओ.
Yeah. The people who are watching that, do you have such craziness to dance for the Lord? No, repeat that. नाचने में पागलपन मत दिखाओ. Don't show your craziness in dance. Music बज रहा है तब नाचने में पागलपन मत दिखाओ. When the music has been playing, don't show your craziness. मैं उस पागलपन की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about that craziness. मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के लिए पागल होना. I'm saying to you the craziness for the Lord. परमेश्वर के संदूक के लिए तड़प. The thirst and quench for the ark of the Lord. Yeah, ये लाइन परमेश्वर के संदूक के लिए तड़प. आर्क संदूक. Yeah, the quench for the ark of the Lord. और परमेश्वर के संदूक के लिए दाऊद क्यों नहीं तड़पा और किस तरीके से तड़पा ये सारी बातें हम जानते हैं. And you know very well that how he was quenching and thirsting for the ark of the Lord. इसकी एक ही इच्छा थी कि परमेश्वर तेरा भवन बनाना चाहता हूँ, तेरी मंदिर बनाना चाहता हूँ. ये तड़प दाऊद के अंदर दिखती है. And that same question, thirst he was having in his heart, that God, I want to make your temple. क्या ऐसी तड़प, आज ऐसी भूख परमेश्वर की कलीसिया के लिए क्या हमारे अंदर है? ये दाऊद के कैरेक्टर से हम सीख सकते हैं. And from the character of David, we could learn that he had quench and thirst for the God's temple. And today's church, do you had such quench and thirst for the people of God? जी, जितने भी आज संडे सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ऑनलाइन चर्चेस में या फिर मसीह मंथन के पेज से आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आए, ऐसी तड़प के साथ आप आते हैं, ऐसी तड़प के साथ आपके बीच में मसीह मंथन आ रहा है, क्या ऐसी तड़प बाकी सब में है? ये प्रश्न आज हमसे दाऊद का कैरेक्टर पूछ रहा है. And from the character of David, we could see, and the question has been asked to us, that the people who had been giving the online services from the Masih Manthan Better from morning till evening, as such we had this quench and thirst in this today's church. ये दाऊद का कैरेक्टर आज हमसे बात कर रहा है क्योंकि दाऊद आत्मिक था. And this has been spoken, or it has been asked by the character of David, because he was such. Now, अब इसको देखे, ये दूसरी लाइन. Now we could see the second line. लिखा है जब सब कुछ लूट गया था. 1 Samuel 30:6. जी, जब सब कुछ लूट गया था. हिंदी में चाहिए. पढ़िए समीक्षा, बोलिए समीक्षा जी. 1 Samuel. No. Repeat everything. You have to repeat. जब सब कुछ लूट गया था. 1 Samuel 30:6. Yeah, जब सब कुछ लूट गया था. पढ़िए सलोमी हिंदी में. और दाऊद बड़े संकट में. रखो नजदीक, रखो माइक नजदीक रखो. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे. जी, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा. रिपीट दैट लाइन. परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा. ऐसा लिखा है कि दाऊद ने खुद को हिम्मत दी. कब और कैसे उसने परमेश्वर को याद किया कि जब वो वहां जंगल में बचा सकता है, गोलियत से बचा सकता है, तो ये लोग क्या हैं जो मेरी फैमिली को उठाकर लेकर गए. And David encouraged himself in his God that when the people had stolen everything and the people had come to stone him, then he had this courage in his heart that who are these to destroy me, who are these to perish me. जानते हो ये क्या बता रहा है मुझे? And do you know what he's saying to us? आज भी मुसीबत आती है तो हमें किसके पास भागना है? And today still the problems come, and to whom we have to run? दाऊद का कैरेक्टर सिखाता है परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर के पास में भागो, नाराज नहीं होना. लेकिन आज जब मसीहों पे मुसीबत आती है तो पास्टर का नंबर मिलाओ, कौन से प्रेयर टावर का नंबर मिलाओ, कौन सा अनॉइंटेड पास्टर है उसके पास में जाओ, ये चल रहा है. And today when we face such tribulations and problems, we have not run to the world, but we have to run to God. And what we do, that we come distressed and we start to turn out our number and count on the number of the prayer lines. We call them and we see the anointed pastor which has been available in order to solve our problems. Yehi cheezein aaj ho rahi hai, isn't it? Yeah, today such things are happening. Main fir se kehta hu, Parmeshwar ko Daud ne yaad kiya kab? Jab wo musibat mein the tab. Yeah, so David has remembered God when in the time of distress. आप किसको याद करते? And to whom you remember? मुझे कई कॉल्स आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, सर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, हस्बैंड का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, राशन का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम. मैं एक ही कहता हूँ, परमेश्वर तुम्हारा पिता है, आप उनकी बेटी बेटा है, आपके पप्पा से मांगो, अंकल से क्यों मांग रहे हो?
I received many calls from many people. Pastor, pray for me. I had headache. Pastor, pray for me. I had many such body aches. Pastor, pray for me that I had that monetary problem. Then I always say that God is your father. God is your only one. You should call unto him. And why you're calling to such uncle? मुझे नहीं पता मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, कभी विश्वासी होने के बाद किसी को फोन नहीं करना, किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देना। आपके पापा के पास में डायरेक्ट जाइए, जैसे दाऊद ने परमेश्वर को याद किया, किसी के पास नहीं गया। जी Yeah, I'm not able to go further. I don't know what is the specific reason is. But to all believers, you have not on to call on me, but you have to call on the one true God who is the creator and as well as who is your father. Now, इसको देखिए, लिखा है जब शत्रु विरोध कर रहे थे. And we could see when the enemies who were just against him. वो चाहे शाऊल हो. Is there could be Saul. वो चाहे फिलिस्तीन हो. It could be Philistine. या फिर सिकलग में जो उसकी फैमिली उठाकर लेकर गए थे, इन सभी चीजों में लिखा है तो उसका भरोसा परमेश्वर पर ही था। And he could say even every man who took his son or daughters, but in everything he just trusted God. दोस्तों, ऐसा था दाऊद का जीवन। And this was the life of David. जब आप ये सुन रहे हैं, पहला कैरेक्टर दाऊद का, इससे क्या सीख सकते हैं? ये सभी पॉइंट्स। And when you are hearing about this character of David, which is the first one, what you can learn from it? ये सभी चीजें जो मैंने आज आपको बताई। This all those things which I have recited. और उसी के चलते जिसने ऐसा जीवन जिया, परमेश्वर ने उसको इज़राइल के ऊपर 40 साल राज्य करवाया परमेश्वर के साथ। And with this, the life that David had lived, and with this reason, God has given the kingship of 40 continuous years. कैसे हुआ ये? How does it happen? परमेश्वर को पसंद आ गया। God was well pleased with him. परमेश्वर खुश हो गया दाऊद से। God was delighted in him. आज परमेश्वर के साथ में आप भी राज्य कर सकते हैं। ये 40 साल, आप 80 साल, कोई दिक्कत नहीं है। And you can also reign over 40 years or 80 years. It doesn't matter. लेकिन नहीं, इसने 40 साल राज किया, आप 80 साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बोल रहा हूँ। You David has reigned 40 years. You can also reign more than 40 years. Exactly. Now सुनिए, परमेश्वर अगर दाऊद को इतना पसंद कर सकता है, फिर आप तो उसकी बेटा बेटी दुल्हन लहू से धोए हुए लोगे। आप अगर ऐसे कैरेक्टर को इससे सीखोगे, आपके साथ वो क्या नहीं कर सकता है। And you can learn from this character that if God was well pleased with David, then you are his daughter and son. You are the people who has been washed by the blood of Lamb, and you are the bride of Christ. जी, और यही तो लिखा है ना, पहला राजा दूसरा अध्याय वचन 11, दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष राज्य किया, 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया, टोटल 40 साल। And we could see from the first king chapter 2 verse 11 that God David had reigned over 40 years and so 7 years he has reigned to a prescribed state and from the another he has reigned over some another state. Now दोस्तों, मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं, लेकिन आज मैंने कहा ना कि आधा घंटा और चलाएंगे, लेकिन from next Sunday जो है बिल्कुल cut to time चलेगा। जी And I know that it has been 9 o'clock. The clock has turned 9, but from next week we are going to come on time. Okay, dusra character. Now the second character. Bahut interesting hai. Which is very interesting. Aur teesra character to sabka baap hai. And the third character is the head of all. Yeah, good translation. Likha hai Goliath. Second is Goliath. Ye ek aisa character hai. And this is one of the character जो परमेश्वर को पसंद नहीं करता या परमेश्वर को नहीं मानता। And this is one of the character who doesn't believe on God and who doesn't consider God. ये ऐसा चरित्र है, गोलियत जैसे चरित्र, जो अविश्वासी को रिप्रेजेंट करते, संसार को रिप्रेजेंट करते, शैतान को रिप्रेजेंट करते, उनके फॉलोवर को रिप्रेजेंट करते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को पसंद नहीं करते। And this is the second character, Goliath, who can be an emblem of Satan or the unbelievers or atheists who doesn't believe God and who doesn't consider that there is any God up there. ये ऐसे character हैं जो परमेश्वर से नफरत करता है। And this is the character who hate God. हाँ, ये नफरत करते हैं परमेश्वर से। They hate God. परमेश्वर के लोगों से नफरत। They hate God's people. परमेश्वर के कार्य से नफरत। They hate God's actions. इसका सबसे पहला काम, ऐसे कैरेक्टरों का, ऐसे लोगों का सबसे पहला काम,
The first thing of the character of these people, परमेश्वर के लोगों को धमकी देना. The first thing of them is to give threats to the God. मैं रिपीट करता हूं. Yeah. ये मैं रिपीट करता हूँ. Keep translating. I repeat it again. ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को धमकी देते हैं, जैसे गुलियत ने इज़राइल को 40 दिन धमकी दी थी. मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ. Yeah, today I'm repeating this again, that these are the people who are giving threats to the people, as Goliath had given threats to people for continuous 40 days. जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा. बहुत ध्यान से सुनिएगा. जी, हो सकता है कि बाहर से धमकी, हो सकता है कि अंदर से धमकी, हो सकता है कि किसी पॉलिटिशियन का धमकी, हो सकता है किसी पुलिस का धमकी, हो सकता है आप गांव में है वहां धमकी, हो सकता है आप शहर में वहां धमकी. ये गोलियात ने धमकी दी, कुछ नहीं हुआ. आपका भी धमकी जो दे रहे ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर वहां था दाऊद के साथ, आपके साथ यहां है. आपका जो भी नाम है, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश. You are getting threats from inside, you're getting threats from outside, you're getting threats of a politician, you're getting threats from anywhere, as the threats has been given to David also, but these threats had done nothing to them. Yeah. And that same threats who had been given by you, remember this, nothing can happen you, nothing can would give you any harm to it. 10 feet ka dhanav type aadmi kuch nahi kar saka, ye 6 7 8 feet ke aadmi kya kar lenge, bataiye. Yeah, the people that the same Goliath who was 10 feet long hadn't done anything, then what is the sense of these people who are having 6 to 7 feet? They cannot do anything. Ek cheez aur batata hun, lage haath. And with the same thing, I would like to tell you one thing. Jab 40 din dhamki aa rahi thi na Goliath se, when there was a continuous 40 day threats given by Goliath, to acche acche dubak kar baithe the. अच्छे. All the people who are very superiority, having superior, they all had gone astray. जिनको तलवार चलानी आती थी, जिनको भाला चलानी आता था, जिनको गोफन चलानी आता था, जिनको AK-47 चलानी आता था, खैर उन दिनों में नहीं था, बात को समझ जाइए. Yeah, the people who are very well honed in just using the armor, who are very well honed in using the swords, and the people who are having AK-47, though it was not available there, they all just went astray. ऐसे सब वहां पर इनकी धमकियों को सुनकर दुबककर बैठ गए, लेकिन एक ऐसा लड़का निकला जिसने कहा कि तू जो मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है, आज मैं तेरा सर काटकर चील कौओं को खिलाऊंगा. ऐसी हिम्मत परमेश्वर चाहता है 21वीं सदी की कलीसिया में, आज जितने सुन रहे हम सब के पास में वापस आ जाए. क्या बात है. And the same people who had heard the threat of Goliath, they all went to into den, and they were so afraid, though they know everything, and only one David who came out, and he doesn't get afraid of that threat, and he said that you had done this thing and you had given threat to my almighty God, and that fear hadn't hindered him, and the same fear which should not be in us in this 21st century of the church. Ek vachan main chahta hu ki jaldi se nikale, 1 John 4:5, I guess. पहला योना 5:4. जी, 1 John 4:5. जी, आई होप सो. जी, ओके. देन दिस देन इज द मैसेज व्हिच वी हैव हर्ड ऑफ हिम एंड डिक्लेयर अनटू यू दैट गॉड इज लाइट एंड हिम इज नो डार्कनेस एट ऑल. नहीं, 1 John 4:4, 4:4 क्या लिखा, देखो सलोमी. हे बालको, माइक नजदीक रखो. जी, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है. या समीक्षा, चैप्टर 4 वर्स 4, 1 John 4:4. या आर ऑफ गॉड लिटिल चिल्ड्रन एंड हैव ओवरकम देम, बिकॉज ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू दैन ही दैट इन दिस वर्ल्ड. तो इसका मतलब क्या है, आज भी ये वचन लागू है. परमेश्वर कहता है मत डरो बाहर वालों से जो बाहर तुमको धमकियां देते हैं, परमेश्वर तुम्हारे अंदर जो है ना वो उससे लाख गुना बड़ा है जो बाहर है. And this has been applied still today, that one who is in you is greater than thousands and billions which is in this world. जी, मैं वापस कहता हूं, क्या तुम धमकियों से डरते हो? नहीं डरना. पास्टर, तुम धमकियों से डर रहे हो? मत डरना. एवेंजेलिस्ट, तुम धमकियों से डर रहे हो? मत डरना. आज हमको यह कैरेक्टर बता रहा है, परमेश्वर कहता है कि मत डरो इनकी धमकियों से, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है. And today I would like to tell to all pastors, you do not fear, all the evangelists do not fear, everyone who is hearing, do not fear, that the one who is in you is greater than that of the giving who is one has been giving you threats. You have not to fear all those people. एक और कनेक्शन दे रहा हूं, क्योंकि
इंटरेस्टिंग है ये जी, एक और कनेक्शन दे रहा हूँ जी। आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन ऑफ द कनेक्शन बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान से सुनेगा, जहां से भी देख रहे बहुत ध्यान से सुनेगा। And wherever you are watching, you do must hear very carefully. आपको पता है क्या लिखा पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय में? Do you know what has been written in First Samuel chapter 17? ऐसा लिखा है कि जब दाऊद ने गोलियत को कहा आज मैं तुझे खत्म करूंगा। And when David has said to Goliath that I am going to perish you, I am going to destroy you. First Samuel chapter 17 verse 43 में ऐसा लिखा है कि उसके देवी देवता उसको छोड़कर जाने लगे क्योंकि वो देवी देवताओं की दुहाई दे रहा था। उसके पीछे का मकसद क्या है? And we could see that in First Samuel chapter 17 it has been written that all the deities and idols they were fleeing away and because of the reason that he was calling unto them. तो हो सकता है कि गोलियत ने पूछा होगा कि ये देवी देवता 40 दिन मेरे साथ में थे, आज अचानक से ये लड़के को देखकर तुम भाग क्यों रहे हो? And it could be said by Goliath that the one who were with me for continuous 40 days, all of a sudden, why they are running and flee away from me as the threat has been given by the David. और आपको ये भी याद होगा कि गोलियत ने कहा कि तू तो लड़का है, तू तो लकड़ी लेकर मारने आया है, तो मैं क्या कुत्ता हूँ लकड़ी? इधर लाओ। And he could be saying that David had bought a poker and he would be saying that you had come with the poker to destroy me. Am I a dog? जी, क्या तू, मैं क्या कुत्ता हूं जो तू लकड़ी लेकर आया? And am I a dog that you bring such poker? और जब देवी देवता उसको छोड़कर जा रहे तो ऐसा हो सकता है कि गोलियत ने पूछा होगा आज क्यों छोड़कर जा रहे हो, 40 दिन साथ में थे। And it could be said by Goliath that why you're fleeing away from me as you were with me for a continuous 40 days. आपको पता है उसके देवी देवता क्या बोले होंगे? And you could think that what the idols of Goliath has said. उन्होंने कहा होगा बेटा तू तो लकड़ी देख रहा है। And he could say, my son, you are looking a poker stick. लेकिन हम लड़के को देख रहे हैं, तू लकड़ी देख रहा है, हम लड़का देख रहे हैं। तो गोलियत ने पूछा क्यों, लड़के में क्या बात है? तब उसके देवी देवता बोले होंगे हम भी भाग रहे हैं, तू भी भाग, क्योंकि लड़का अकेला नहीं आया है, उसका परमेश्वर उसके साथ है। क्या बात है? And you could say, Goliath must be saying that why you're running from this stick, and the deities would be saying that you must also flee away as you're watching a child. And the child is not alone. Yes, उसका परमेश्वर उसके साथ है। And the God was with him. और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी धमकियों को आप देखकर डर जाते हैं, उनकी लकड़ियों को देखकर आप डर जाते हैं, उनके तलवार को देखकर डर जाते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका परमेश्वर आपके अंदर है और आपके पक्ष में है। And you could say, and you could also get afraid of the threats which has been given by the people. They had brought sticks to beat you. They had brought some certain instruments to beat you. And why you get such afraid of these threats? But you should know that God is on your side. Now, अब इसको देखिए जो black line में, जी. And you could see this black line. ऐसे लोग हमारे लिए खतरा नहीं हैं. And such people are not danger to us. तो खतरा किससे है? खतरा तो तीसरे कैरेक्टर से है। And the danger is not from this, but the danger is from the third character. या, हम बाहर से लड़ सकते हैं। We could fight from outside. बाहर वालों से लड़ सकते हैं। We could fight with outsiders. लेकिन ऐसे का क्या करें जो अंदर घुस के बैठे हैं, ये गोलियत के भी गोलियत हैं। And how we can fight with such people who are within us, who had been interventing in us, and who is the head of Goliath? ये देख रहे हैं, yellow spot देख रहे हैं आप? And you could see that yellow spot? लिखा है आत्मिक और शारीरिक ये दोनों हैं। There could be spiritual as well as fleshly. और इसको मैंने नाम दिया है शाऊल। And I had named him Saul. तो अब तक हो चुका है दाऊद, अभी तक बता चुका हूँ गोलियत का कैरेक्टर, अब आ रहा है तीसरा आखिरी और ये है शाऊल का कैरेक्टर। And I had told you about David, I had told you about Goliath, and now I'm going to tell you about Saul. परमेश्वर का वचन शाऊल के लिए। The word of God for Saul. या फिर शाऊल के लिए परमेश्वर का वचन। And the word of God for Saul from God. पहला सैमुएल उसका 13 का 13, First Samuel 13:13. And we could see from First Samuel chapter 13 verse 13. Okay, मैंने यहाँ पे डाला है। लिखा है सैमुएल ने शाऊल से कहा, तू मूर्खता का काम किया, तूने मूर्खता का काम किया, ब्लैक स्पॉट देख लीजिए जी। And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. मैं रिपीट करता हूँ, लिखा है कि हे शाऊल
यीशु ने मूर्खता का काम किया है. एंड आई रिपीट दैट he saw that you have done a foolishness. ये मूर्खता का काम क्या है? He has done foolishness. नहीं नहीं, ये मूर्खता का काम क्या है? This is a work of foolishness. No. समीक्षा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये मूर्खता का काम क्या है? I am asking this question. What is the work of foolishness? What is this foolishness? ये मूर्खता का काम क्या है? What is this foolishness? लिखा है तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, और जो आज्ञा को नहीं मानता उसको परमेश्वर मूर्ख कहता है. That thou has not kept the commandment of the Lord, the ones who doesn't keep the commandment of Lord, God consider them as foolish. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. I still repeat it again. जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, परमेश्वर कहता है तू मूर्ख है. And the one who doesn't obey the word of God, one who doesn't keep the word of God, and one who doesn't walk on the word of God, God says to him, foolish. अगर तू दाऊद की तरह होता आत्मिक, and if you would be like David, the spiritual one. अगर तू दाऊद की तरह मेरे पीछे चला होता. And if you had walked with me like David. देखो परमेश्वर आगे क्या बोलता है. लिखा है नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता, लेकिन तूने मूर्खता ऐसी की है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, जिसके चलते तेरा राज्य तेरे हाथ से चला गया. And now that we could see that you had done such a foolishness, now that would the Lord had established thy king upon the Israel forever. That means that God has stolen that kingdom forever from Saul. अब आप सोच के देखिए आपके साथ में भी यही घटता होगा. And this could be happened in front of you. क्योंकि ये तीन कैरेक्टर से हम लोग सीख रहे हैं आज. We had been learning from these three characters. और ये सबसे ज्यादा डेंजर है, गोलियत से भी ज्यादा डेंजर है. And it has been more dangerous than Goliath. क्या एंड हुआ, कितना भयंकर एंड हुआ, कितना खतरनाक एंड हुआ, इसकी एक मूर्खता के चलते कहीं ऐसा एंड आपके साथ ना हो, कहीं ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसके लिए जरूरी है आज का ये प्रचार आपके लिए सुनना. And we could see that there has been devastating end of such character. It could be so perishable, and this end could be in your life because of one of his foolishness. There was such a perishable end, and this could also happen with you. आपको पता है परमेश्वर को उसकी आज्ञा पालन करना कितना जरूरी है? And do you know that to obey the word of God is so important? परमेश्वर कहता है आपका वर्शिप नहीं चाहिए, आपका म्यूजिक नहीं चाहिए, आपका ऑफरिंग नहीं चाहिए, आप कितना पैसा देते वो नहीं चाहिए, क्योंकि पहला सैमुएल 15 का 22 कहता है, फर्स्ट सैमुएल 15:22 समीक्षा गेट रेडी, लिखा है सैमुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है. And God doesn't want your music, God doesn't want your worship, God doesn't want your offerings, but He is delighted in the obedience. That it could be seen from 1 Samuel chapter 15 verse 22. And Samuel said, "Has the Lord has a great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken that the fats of rams." आपका focus क्या है पता है? परमेश्वर, मैं हर संडे 2 घंटा गाना गाऊंगा, मैं हर संडे आपको 10,000-20,000 दूंगा, मैं हर संडे अलाना फलाना गरीबों को खाना. परमेश्वर कहता है बेटा ये सब नहीं चाहिए, मेरी आज्ञा को मान. And every Sunday you would be having this focus. Oh Lord, I will worship you for continuous 2 hours. Oh Lord, I will sing hymns for you. And you would be doing such miscellaneous and vice versa works that I will give food to the poor. But the main priority should be that you should keep the commandment of the Lord. सुनो. आज कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूँ. Sunny, and listen, keep translating. Yeah. I'm going to keep something in front of you. आप चर्च जाते हो? You go to church. और फिर बाहर जाते हो सिगरेट पीते हो? And then you go out of the church and you have the cigarettes. आप चर्च जाते हो? You go to church. फिर दारू पीते हो? And then you take alcohol. आप चर्च जाते हो? You go to church. फिर जाकर उल्टी सीधी फिल्में देखते हो? And then you see some of the unsimilar or unfamiliar films. फिर चर्च जाते हो? And you go to church. और फिर वो सारी गालियां झगड़े झूठ भ्रष्टाचार वो सारी चीजें करते हो. परमेश्वर कहता है नहीं चाहिए ऐसा तुम्हारा संडे चर्च आना.
And when you go out of the church and then you conflict with each other, you fight with each other, you abuse with each other and you do certain bribery activities and God says, I don't need your such offerings. Ek ladke ka aaj call aaya tha. And I had got a call from a boy. Main shahar ka naam nahi bataunga, nahi to usko pata chal jayega. And I will not tell about the name of the city, else he would know about it. Wo kehta hai ki Pastor Daniel, mere saath mein kuch galat hota hai, paap hota hai, main kya karun? Maine kaha usko call kar. And he said to me, Pastor, I commit some of this sin. And he said, what should I say? What should I do? And you call. मैंने उसको कहा कि मुझे फोन कर. And he said to him that you should call me. Yeah, I said, Samisha, I said to call him. Yeah. मैंने कहा उसको मुझे फोन कर. Yeah, Pastor said to call me. और जब उसने फोन किया. And when he has called me. मैंने उसको पूछा कि बेटा कितने साल से विश्वासी है. And pastor had said to him, for how long you're a believer? उसने इतना इतना बताया. And he has said so and so. मैंने कहा कि क्या करना चाहते हो? And pastor said, what do you want? उसने कहा मैं इसे छूटना चाहता हूँ. And he said that I want to get free. मैंने उसको दो रास्ते बताए. And pastor has told two things. मैंने कहा कि टोटल यीशु को छोड़कर संसारिक हो जा. And then you leave Jesus and get worldly. पूरी तरह से जो तेरे को करना है कर ले. And you just go worldly and do whatever you want to do. फट से बोला नहीं 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 वो नहीं करना चाहता हूँ. And he said no, I don't want to do that. फिर मैंने उसको कहा कि फिर total change हो के यीशु में आ जा. And pastor said you totally commit your life and come into Jesus. मैं अभी यहाँ पे बोलना चाहता हूँ. And today I want to say. अगर ऐसा कोई मुझे सुन रहा है अभी. The one who is listening to me. आपके साथ में क्या चल रहा है, क्या पाप चल रहा है, क्या गंदगी चल रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही जवाब है जो लड़के को दिया, या तो टोटल वर्ल्डली हो जाओ, संसारिक हो जाओ और जितना मजा करना है करो और सीधा नरक में, या तो टोटल यीशु में सरेंडर हो जाओ और यहां जितना तुक उठाना है लेकिन अनंत काल का जीवन स्वर्ग में. And today I want to say you that you can go on one side, get worldly, enjoy all the lust of the world, or else you just come back to Christ, commit whole of your life to Jesus, and take up your cross, take out the sufferings, and then you will receive the eternal life from Christ. और यही चीज परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि बेटा तू आत्मिक भी है, शारीरिक भी है, आज्ञाओं को नहीं मानता, ये क्या है? और उसी के चलते परमेश्वर ने बोला, वापस दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, मूर्ख है तू, मूर्ख है तू. And that same thing God has said to Saul, same time you are carnal and same time you are spiritual, these things could not be happen. And God said to him, you are foolish, you are foolish. परमेश्वर के उपस्थिति में इस वक्त में मैं फिर से बता दूं, अगर आप यीशु के हैं पिक्चर का गाना सुनते हो तुम मूर्ख हो, आप यीशु के हैं सिगरेट पीते हो तुम मूर्ख हो, यीशु में है दारू पीते हो तुम मूर्ख हो, यीशु में है उल्टी सीधे फिल्में देखते हो तुम मूर्ख हो, यीशु में है सांसारिक जीवन जी रहे हो तो मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर शाऊल से मैच कर रहा है. And if today you are calling yourself, you belong to Jesus, at the same time you're watching movies, you're foolish, you're hearing the music of the world, you're foolish, you're doing certain activities which are evil, you are foolish. अब एक कैरेक्टर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. And there is one character who's watching me. मुझे नहीं पता कि वो publicly क्यों लिख रहा है. And I don't know why he's writing publicly. वो लिख रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ Pastor Daniel? And he's writing that I am like that, and what can I do? Facebook के ऊपर अभी वो लिख रहा है. And he's writing on Facebook. मैं फिर कहूंगा कि या तो उस तरफ या तो इस तरफ. And I could say to him, you could go at one side or you can go at another side. Yeah, दूसरा तीसरा रास्ता ही नहीं है. And this is the third way. तीसरा रास्ता नहीं है. There is no third way. Yeah, समीक्षा. Now, अब इसको देखे, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना. And you had not obeyed the commandment of the Lord. जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना. शाऊल हट्टी था. पहला सैमुएल 15:23. And you could see on the screen that Saul had not obeyed the commandment of the Lord. ये हट्टी था. I want English translation also. He was stubborn. No. You have to read in English also. Pehla Samuel 15:23. देख बलवा करना. माइक ऑन करो. देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है. हाँ. तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है. तू हट्टी है. Stubborn. You're stubborn. Yeah, keep read that scripture in English, Samiksha.
Okay. For rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness, is an iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee from being king. ऐसे कैरेक्टर शाउल के कैरेक्टर आत्मिक बातों में समझना होगा, आज भी मसीह की देह में पाए जाते हैं, कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हट्टी है, stubborn. Keep translating. And there are still people like Saul who are so stubborn and who are still in this world of spiritual and carnal. Whatever we say unto them, they are not putting heed to it. They are totally stubborn. किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है उनके अंदर. There has no any heed unto them. अब क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है, इसलिए जल्दी आगे बढ़ाओ. शाउल झूठा भी था. पहला सैमुएल 15:13. And I have to look at the time also. And now we will see further that Saul was a liar according to 1 Samuel chapter 15 verse 13. Hindi. तब शमूएल शाउल के पास गया और शाउल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है. ये शाउल कह रहा है, मैंने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा पूरी की है. परमेश्वर का दास कहता है, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये बकरी का चिल्लाना फिर कहां से आ रहा है. इसका मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, ये झूठा था. ट्रांसलेट. And Saul was saying that I had obeyed everything of the Lord, I have given offerings to the Lord, and but the Samuel was saying, you are lying, you are a liar. And though he was saying lies to them. और फिर आगे कहता है कि शाउल पैसे का लालची था. पैसे का लालची का मतलब है उसने अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी को अपने पास में रख लिया. पहला सैमुएल 15:14. जी. And we could see that he was saying that the Saul was greedy and he wanted money. And we could also see in 1 Samuel chapter 15 verse 14. पढ़ो पढ़ो. शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रमाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? कंप्लीट करो, पूरा है उतना ही है. ओके, इसका मतलब है कि शाउल ने इन सब को बचा लिया और उसी के चलते लिखा ये लालची था. आज कई लोग परमेश्वर के राज्य में तो हैं, लेकिन शारीरिक भी हैं, आत्मिक भी हैं, और पैसे के लालची हैं. And we could see that Saul had saved such oxes and sheep, and now we can see that he was so greedy, and such greediness could be found in this 21st century church, that people are so greedy and so lustful for just money. मैं पूछना चाहता हूँ सेवकों से, मैं पूछना चाहता हूँ विश्वासियों से, आपका आत्मिक जीवन में कहीं ये लालच तो नहीं घुस गया जो पैसे के चलते तुमने अपने परमेश्वर तक को त्याग दिया? जरा एक बार खुद से पूछ के देखिए. And today I would like to ask all the believers, who are all the pastors, that for the sake of money, thou you hadn't rejected the God, that you hadn't rejected the Almighty God just because of money. अब इसको देखिए, शाउल एहसान फरामोश भी था. And we could see that the Saul was egocentric. जिसको कहते हैं, इसको परमेश्वर की जो दया हुई थी ना, उसका एहसान नहीं माना, जिसके चलते मैंने लिखा कि ये एहसान फरामोश था. पहला सैमुएल 15:16 हिंदी में. जी. And we could see that Saul was egocentric. He couldn't recognize that the big mercy of Lord was upon him, and still he doesn't recognize. And we could see in chapter 15:17. जी, हिंदी. 15:16. तब शमूएल ने शाउल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है, जी, और मैं तुझको बताता हूँ. जी. उसने कहा, कह दे. हाँ, आगे 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 आगे. शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था. हाँ, इसको कहते हैं, यहाँ से सैमुएल ने इसको कहते हैं, उसको एहसास दिलाना शुरू किया, जब तू कुछ नहीं था, जब तू छोटा था, तू तेरे पास में कोई राजा का पद नहीं था, तब तूने परमेश्वर ने तुझ पर दया करी, लेकिन आज तू उसका एहसान फरामोश हो गया. ये कॉन्सेप्ट है. जी, समीक्षा. And then we could see that the Samuel was trying to let him know that how small were you, how the Lord's mercy was upon you, and still he could not recognize such thing, and though he was not able to understand all the concept. मैं थोड़ी देर में आज का मैसेज खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन आखिर तक बने रहिए. फिर नीचे लिखा है कि शाउल डेंजरस हो गया था. He became dangerous. Saul dangerous. And with the span of few minutes, I'm going to wind up this meeting, but you should be with me till the end. And we could see that Saul had become so dangerous. Dangerous. क्या बात है? पहला सैमुएल 16:2. जी. शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाउल सुन लेगा, तो मुझे घात करेगा. सही.
शमूएल को शाऊल से डर लग रहा है, अगर मैंने इसको पता चला कि राजा दाऊद का अभिषेक करने जा रहा हूं जो कि इसके बाद राजा बनेगा, ये शाऊल से डर गया परमेश्वर के कन्वर्सेशन में, तो इससे पता चलता है कि शाऊल कितना डेंजरस हो गया था और क्यों, मैं वो भी बताऊंगा जी। And we could see that he had become afraid with this reason when it was been revealed that the David was going to be anointed by Samuel and the next king will be David. So we could see that how dangerous he could be and how afraid he had become. अब आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या दिक्कत है बताओ? ओके ऐसा हो रहा है। ओके नाउ आप देख सकते हैं कि शाऊल पर दुष्ट आत्मा का कब्जा, ये डेंजर क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। एंड वी कुड सी दैट व्हाई सॉल हैज बिकम सो डेंजरस बिकॉज़ ही वाज इन अ कैप्टिविटी ऑफ इविल स्पिरिट। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 14 पढ़ो। अच्छा उसमें है, ओके लिखा है यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से, कैन यू बिलीव दिस, लिखा है दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। And we could see from 1 Samuel chapter 16 verse 14, but the spirit of the Lord departed from Saul and an evil spirit from the Lord troubled him. मेरा एक प्रश्न है आपसे। I have a question for you. अगर आप आत्मिक हैं, if you are spiritual, आप दुष्ट आत्मा को, शैतान को, जादू टोना को, ये सारी चीजों को भगा सकते हैं। And you can flee away all the witchcrafts, all the evil spirits, all the satanic spirits. लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं है, शारीरिक बन गए। If you are not spiritually become carnal, आपको ये लोग भगाएंगे। And they will let you flee. See the difference? फर्क देखिए। अब आप कहोगे। You could see the difference? Yeah. अब आप कहोगे, पास्टर डैनियल, वो तो ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, न्यू टेस्टमेंट में मसीह बनने के बाद में दुष्ट आत्मा हमको कैसे सताएगी? यीशु का स्टेटमेंट है, डैनियल राज का नहीं। And you could say that Pastor Daniel, it could be the concept of Old Testament, but in New Testament there is no such concept. All the evil spirits will not give us harm. अब इसको देखो, यीशु कह रहे हैं मत्ती 12:45 में। And Jesus is saying in Matthew chapter 12 verse 42. लिखा है तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही है। And we could see that it has been written in the scripture that all the evil spirits come sevenfold in the person's life, and we could see in this times. अब आप सोच के बताइए, शाऊल के साथ में दुष्ट आत्मा, यहाँ यीशु कह रहे हैं अगर विश्वासी मसीह जीवन ठीक से नहीं जी रहा है तो दुष्ट आत्मा। अब आप सोच के देखिए, कुछ लोग कहते हैं मेरा उद्धार हो गया है, once saved always saved, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता साहब, कहां से लाए मालूम नहीं। And we could see in the life of Saul, as also Jesus has said, that one who departs from the way of the Lord, the seven times fold more evil spirits come in the life of believers. And I don't understand from where such concepts come. Yeah, अब आप एक danger चीज बताने जा रहा हूँ. And I'm going to tell you one thing. ऐसे तीसरे character वाले. For such third character. शाऊल के character वाले. The character of Saul. जानते हो क्या करते हैं? What they do? ऐसे लोग ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। The people like Saul's characters, they don't work also and they don't let work. आपको पता है शाऊल गोलियात को मार सकता था लेकिन नहीं मारा, जब दाऊद मारने गया तो अपने कपड़े उसको पहना रहा। सी द थिंग। And you could see that the Saul can kill Goliath, but David was going to kill Goliath, but we could see also that Saul was giving the dress to wear or that particular raiment to wear to fight with Goliath. आप नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे लोग आज भी हैं, ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, और हम जैसे जो दस्तक का है मसीह मंथन वाले और मुझ जैसे लोग जो परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा से भरे शाऊल के कैरेक्टर हमारे को भी सामना करना पड़ रहा है। And I don't understand that you should think on it that the people like Saul are still available, that the people, we all are the people who are trying to tell the truth, and the 10% of people and the people of Masih Matan Petev will have to face such evil spirits. अब इसको देखो। Now see this. लिखा है शाऊल सबके लिए dangerous बन गया था। And you could see it has been written that Saul has become dangerous for all. जैसे ही उसको पता चला। The one time he know. जैसे ही उसको पता चला, the moment he became, the moment he came to know, ऐसा वाला, हाँ।
जैसे ही उसको पता चला कि मेरी जगह किसी ने ले ली है, ना खुद कर रहा है ना दाऊद को करने दे रहा, ये वाला चक्कर. द सेम टाइम और द सेम मोमेंट ही नो दैट समवन एल्स हैज टेकन हिज प्लेस ही वाज सच बिकम अ टेरिबल वन. सी, यही तो बता रहा हूँ, शाऊल डेंजरस बन गया. At the same time, I'm telling you that Saul became dangerous. ऐसे dangerous लोग आज भी हमारे मसीह देह में पाए जा रहे हैं. And that same terrible people could be found in the body of Christ. आपके चर्च में पाए जा रहे हैं. It has been found in your church. मुझे मिलते हैं ऐसे लोग. I could see or I had met such people. 20 दिन पहले मिले थे character. आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ. आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, आपकी मिनिस्ट्री में ऐसे लोग आते होंगे. And you also know very well about the people of such character and in your ministry you can meet with such people. ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, ऐसे हैं ये dangerous लोग. And they don't work and they don't let work. Such dangerous people could be found at that time. लेकिन परमेश्वर को पता चला. Then God has known it. परमेश्वर को पता चला. The God had known it. Yeah. और परमेश्वर ने कहा क्योंकि दाऊद को आगे ले जाना है तो शाऊल का अंत होना जरूरी है, और आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि शाऊल बहुत बेकार मौत मरा. And God know that I have to carry David further than it had been known further that Saul had met a terrible death. Yes. कहां लिखा है? पहले सैमुएल 31 का 4. And it has been written on 1 Samuel chapter 31 verse 4. लिखा है तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा. इसको कहते हैं सुसाइड, इसको कहते हैं आत्महत्या, खुद अपनी मौत मर गया. And then Saul unto his armor bearer draw the sword and thus he had committed a suicide by himself. That's it. आज का मैसेज यही था. And this was the message for today. दाऊद, गोलियत, शाऊल. David, Saul, Goliath. आपने क्या सीखा दोस्तों? What have you learned today? आपने क्या सीखा आज अजीजों? What you had learned today? क्या आपने दाऊद का कैरेक्टर देखा? Had you seen the character of David? क्या आपने गोलियत का कैरेक्टर देखा? Had you seen the character of क्या आपने अभी शाऊल का कैरेक्टर देखा? Had you seen the character of Saul? परमेश्वर का धन्यवाद कि इस तरीके से मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में ये तीन कैरेक्टर को पहली बार प्रचार कर रहा हूं, और ये आज के लिए रखा है, और ऐसे हर संडे फ्रेश मन्ना आपके बीच में लाता रहूंगा प्रभु के अनुग्रह से. And I thank God for this time that for past 27 years in my ministry, for the first time I had been presenting such three characters, yeah. David, Goliath and Saul. And for every Sunday I will be giving you such fresh manna. Yes. और next Sunday आपके बीच में हम फिर आएंगे. And for next Sunday we will come back to you again. और मैं आपको ये बता दूं कि हर Sunday English, Tamil, Telugu, Kannada, Nepali, मराठी, ये तो चलता है, बंगाली ये तो चलता रहेगा, लेकिन संडे टू संडे जो 8 PM टू 9 PM है वो इंग्लिश और हिंदी में चलेगा, जैसे आज हमने किया. एंड ऑन एवरी संडे यू विल गेट द चर्चेस इन इंग्लिश, बंगाली, तमिल एंड ऑल द अदर प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज, बट फ्रॉम 8 to 9 PM एवरी संडे वी विल कम बैक विद दिस ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश. चलिए अब यहाँ पे समीक्षा जी आप प्रार्थना करेंगी और फिर हम आज की जो सभा है उसको समाप्त करेंगे. समीक्षा जी प्लीज प्रे. यस Father, I thank you for this wonderful time that you have given to us. In the mighty name of Jesus, we come back to your presence, Lord. We thank you for this online church service that you have given. I bless your people, Father God. In the mighty name of Jesus, I pray that the meeting shall be blessing for many people. For the many people who have heard your word, Father, let there be your will and the favor upon the people. I bless the Father God, your people and your man of God, Pastor Daniel Raj, who had been a voice for many people. In the mighty name of Jesus, Father, be with him and give him wisdom. That he may able to bring the fresh word of God from every Sunday. Father God, I pray that the people who hear him and they shall bear fruit with your grace and with your power. And I give everyone in your hands, God, let your will be done in everyone's life. We give you glory and honor. Thank you, God, for this online church. I give you praise and honor. In Jesus' name I pray. Amen. 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 आप ताली बजा सकते हैं जहां पर आप हैं. आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं आज के इस पूरे संडे की सुबह से अभी तक की जितनी भी लैंग्वेजेस हुई है
उन सभी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। दोस्तों नहीं भूलना कि कल उत्पत्ति की किताब की अध्ययन द बुक ऑफ जेनेसिस की स्टडी ठीक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं डैनियल राज वापस आपके बीच में आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और फिर कल मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।